नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी हुई है महिंद्रा XUV 3XO का टॉप एंड वेरिएंट, यानी कि हमारे सामने खड़ा हुआ है आज आपका AX7L TGDI पेट्रोल टर्बो गाड़ी है हमारे सामने, TGDI इंजन वाली ऑटोमेटिक हमारे सामने खड़ी हुई है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी एक शोरूम ऑनर कॉस्ट, सारी चीजों के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं हूँ आपका कल्याण महिंद्रा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी प्रोवाइड करी और आप तक जो मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचा पा रहा हूँ। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं एक्साइटिंग ऑफर्स को एंड डील्स को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इसके आई की लुक से। तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पूरा एलईडी लाइट का सेटअप। भाई सबसे पहले कलर चेक करो, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे तो आपको देखने को मिलती है अपनी एलईडी DRL इस तरीके से, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसी के अंदर इंटीग्रेटेड अपना इंडिकेटर। तो मैं आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ। तो पहले तो भाई चाबी देख लो इसकी, इस तरीके की चाबी है, दो चाबी आपको देखने को मिलती है, दोनों में ही बटन वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इस तरीके से अनलॉक हो जाएगी, लाइट आपकी ऑन हो जाती है, आप यहीं से लाइट को ऑफ कर सकते हैं, यहीं से आप ऑन कर सकते हैं। दो बार दबाएंगे तो ऑन, दो बार दबाएंगे तो बंद। इस तरीके से आपकी चीजें देखने को मिल जाती हैं। LED प्रोजेक्टर नीचे की तरफ आपको LED में फॉग लाइट देखने को मिलेगी। ये क्या है ये भाई, हिल रही है भाई, देख लो हिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्लैक कलर की इस ग्लॉस ब्लैक फिनिश में अपनी यहाँ पे जो है ग्रिल देखने को मिलेगी, ट्विन पीक का लोगो, इस तरीके से तीन आपको पट्टिया टाइप की देखने को मिलेगी। टॉप एंड वेरिएंट है तो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है Level 2 एडास, नीचे की तरफ आपका सेंसर, ऊपर की तरफ आपको कैमरा, जिससे कि आप लेन की परसेस वगैरह यूज कर पाएंगे। और नीचे की तरफ आपको एक यहाँ पे सेंटर में 360 डिग्री कैमरा का भी सेटअप देखने को मिल जाता है। पहला कैमरा आपको आगे की तरफ देखने को मिल जाएगा, एक साइड में, एक इस साइड और एक पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। आगे दो फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलेंगे, नीचे की तरफ आपकी सिल्वर फिनिश में यहाँ पे आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अपने इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है गाड़ी अनलॉक थी, अब लॉक हो चुकी है, ये इसने सिग्नल दे दिया। आते हैं साइड प्रोफाइल पे, कुछ इस तरीके की इसकी साइड प्रोफाइल हो जाती है। टॉप एंड वेरिएंट है, बिल्कुल डुअल टोन, इसके ऊपर अब कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे टायर की, तो डायमंड कट अलॉय व्हील आपको देखने को मिल रहे हैं, C8 सिक्योर ड्राइव आपको देखने को मिलेगा, 215/65/R17 का टायर है। और भाई ये लुक देखो अलॉय की, कितना प्यारा लग रहा है ना। चारों डिस्क स्टैंडर्ड मिलते हैं, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं आपको यहाँ पे हर वेरिएंट में, 5 नट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लाइडिंग वगैरह जाती हुई देखने को मिलेगी पीछे तक पूरी, ठीक है। यहाँ पे अगर OAVMs की बात करें तो कुछ इस तरीके के OAVMs है जो कि फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते, जब आप गाड़ी ऑन करेंगे तो वो अनलॉक फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। दो हार्ड वाइपर आपको देखने को मिलेंगे, इधर की तरफ आपको कैमरा देखने को मिलेगा, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पैसिव एंट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की तरफ आपको स्काई रूफ देखने को मिलती है, या फिर बोले तो पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिलेगी, ग्लॉस ब्लैक पियानो फिनिश में अपने यहाँ पे रूफ रेल्स दूसरी तरफ भी आपको देखने को मिलेंगे। एरियल एंटेना आपको देखने को मिल जाता है, डुअल टोन कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीछे के डोर पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सादा एकदम, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, 215/65/R17 का टायर आपको देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से AX7L की बैजिंग, ठीक। यहाँ पे आपको दो चीजें हेलोजन में देखने को मिलेगी जो कि आपकी रिवर्स लाइट है और अपनी एक बेसिक सी लाइट और देखने को मिलेगी। कनेक्टेड LED DRL आपको देखने को मिलती है पीछे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, उसके बाद ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप आपको देखने को मिलेगा। XUV 3XO की बैजिंग, AX7L की बैजिंग, यहाँ पे नीचे की तरफ कैमरा और नीचे की तरफ सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट, इधर और इधर आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें बूट स्पेस की तो कुछ इस तरीके का बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं ओनली फॉर डिस्प्ले आराम से आपका सामान आ जाएगा। 364 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। ये है अपना एक छोटा सा लाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्पीकर या सब ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। करता है गाड़ी के बोनट को बंद, इस तरीके से बंद हो गया। आएंगे साइड प्रोफाइल पे दूसरी तरफ की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल है तो 42 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, 42 लीटर का आपको पेट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप हुड खोलेंगे और यहाँ से आप जो है इसका फ्यूल फिलर कैप खोल सकते हैं। तो भाई ये है इसकी कहानी, यहाँ पे आप पेट्रोल डलाएंगे अपना, 42 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। ऊपर एरियल एंटेना देखने को मिल गया, को पैसेंजर साइड आपको कोई भी सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, सेंसर बटन जैसे कि आप दबा के अंदर घुस पाए। उसके बाद अगर मैं सीट की बात करूं तो यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टमेंट के ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं।
ओआरवीएम अपने ब्लैक्ड आउट रहने वाले हैं, उसके नीचे आपको एक कैमरा देखने को मिलेगा। पेडल लैंप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। टीजीडी है ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको बैजिंग वगैरह देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो भाई सबसे पहले तो ये चेकआउट कर लो, महिंद्रा का सेफ्टी फीचर है अपना, हैजार्ड अपने ब्लिंक करने लगते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की, तो 1200 सीसी का 1.2 लीटर का अपना यहाँ पे टीजीडी है इंजन आपको देखने को मिलेगा। इंसुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं इसके पावर वगैरह की बात करूँ, तो 128 bhp मोटा मोटी 130 bhp आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं उसके टॉर्क की बात करूँ, तो 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस तरीके से कहानी हो गई। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जाने के लिए ये रही चाबी, ये मैंने करा अनलॉक, और ये है कुछ इसका डोर पैनल। सबसे पहली चीज़ मेरे को जो नोटिस में आई है, वो है ये स्टिचिंग। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। वन पिंच अप एंड डाउन अपने यहाँ पे ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड की नॉर्मल सारी अपनी पावर विंडो देखने को मिलती है। लॉक अनलॉक के लिए बटन है, यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकली फोल्ड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीकर, ठीक है, स्कफ प्लेट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे रिक्लाइन करने का ऑप्शन है। लेदराइज सीट्स हैं, 6 एयरबैग हैं, परफोरेटेड सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये है भाई कुछ गाड़ी की कहानी। इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ही लग्जूरियस लग रही है अंदर से बैठ के, क्योंकि मिनी XUV 700 वाला फील आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बाहर से देखने में भी लगता है कि मिनी XUV 700 है, ठीक। अब सबसे पहले मैं बटन दबाता हूँ यहाँ पे, ये रहा इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे मैंने इसको दबाया और ये ऑन हुई। जैसे ही गाड़ी ऑन हुई, तो यहाँ पे अपने अगर आपने नोटिस किया हो, तो ये अपना सीट बेल्ट रिमाइंडर था। अपने ओआरवीएम जो है खुल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 10.25 इंच की एक स्क्रीन यहाँ पे मिलेगी, एक स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो है सिमिलर है जो अपनी XUV 700 के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेनॉक्स की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ड्राइव आपको यहाँ पे अलग अलग ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिप, जैप, जूम। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने स्टेयरिंग के लिए भी अलग अलग मोड देखने को मिलते हैं, जो कि कंफर्ट, स्पोर्ट और नॉर्मल मोड देखने को मिल जाता है। डुअल जोन एसी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, तो ये अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी है। यहाँ पे आपको मिलता है एक तरीके से शिफ्ट सेलेक्टर, ये देख सकते हैं। आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ही यहाँ पे सेंसर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से न्यूट्रल, ये आ गई अपनी ड्राइव पे। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी। आगे के फ्रंट के कैमरे का व्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, इस तरीके का देने वाला है, ठीक। यहाँ पे आपको सब तरफ अपनी अडेप्टिव गाइडलाइंस देखने को नहीं मिल रही हैं। इसके अंदर आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। वापस आप पार्किंग में लगते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ 2 कप होल्डर, वायरलेस चार्जिंग पैड, एक कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन है, एयरबैग्स ऑन ऑफ, ये थोड़ी बहुत वार्निंग्स वगैरह देखने को मिलेंगी। यहाँ पे डीफॉगर के लिए एक बटन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कहानी रहने वाली है। अब बात करूँ यहाँ पे कुछ बटन्स की, तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल, उसके साथ ब्राउज करने के लिए ऑप्शन, लेन की असिस्ट के लिए वार्निंग एक बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिलेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। तो देख सकते हैं आगे का लुक इस तरीके का आता है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसा लुक रहता है पूरा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे आपके कंसोल की, तो कुछ इस तरीके का कंसोल आपको देखने को मिलता है। बहुत ही वार्निंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, देख सकते हो। पहले तो यहाँ पे आपके क्रूज के और सारी चीज़ों के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बटन है, इसके थ्रू आप इसको यूज़ करके यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। इस तरीके से अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्टेंट चलते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि अपने उससे एडास लेवल 2 और इन सारी चीज़ों से देखने को मिलता है, ठीक है। ये वही है अपना लेन की असिस्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अपना लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह चीज़ें देखने को मिल जाती। तो देखिए अभी यहाँ पे ब्लू ब्लू सी स्क्रीन आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है कैमरा व्यू देखने को मिल जाएगा। ऐसी दूसरी तरफ जब हम करेंगे, तो यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू सी स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पे अपना कैमरे का व्यू आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रिमलेस, बढ़िया एकदम। यहाँ पे आपको जो है IRVM देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर नहीं है, यहाँ पे आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगी। और भाई क्या प्रीमियम टच है यार, ये किसी ने बताया क्यों नहीं अभी तक किसी भी वीडियो में। ये देख रहे हो मैंने इसको दबाया और कितने धीमे धीमे आराम से ऑन हो रही है, कितनी धीमे धीमे एकदम से बंद हो रही है, मतलब कहीं भी आपको चुभने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करी जाए, आपको मिलेगी अपनी पैनोरामिक सनरूफ इस तरीके से,
ठीक है। आपको यहाँ पे पर्दा खोलने के लिए लोग अलग से बटन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से मिरर विद लाइट, एलईडी लाइट आपको दोनों तरफ ही देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर का ऑप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलता है। यह है इसकी बड़ी सी सनरूफ, ठीक, पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है। आगे आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे। स्पीकर्स की बात करें तो 1, 2 पीछे की साइड 3 और 1 इस साइड 4, एक ट्विटर हो रहा है, एक ट्विटर ये रहा है, पीछे की तरफ एक आपको बड़ा सा सबवूफर भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से कहानी हो जाती है। कुछ बटन्स की बात करो तो आगे के फ्रंट पार्किंग सेंसर बंद करने के लिए एडल स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट कंट्रोल, हेडलाइट लेवल एडजस्टर, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करी जाए इस तरीके से थोड़ा सा छोटा सा ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको इस तरीके से स्पेस देखने को मिलेगा, लाइट के साथ फुल ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। ये हो गई कहानी इसकी आगे आगे की, कुछ रह रहा है तो ये भी चेकआउट कर लीजिए एक बार आप। तो इसके अंदर ऊपर नीचे मिल रहा है, टिल्ट नहीं मिल रहा है, इसके अंदर टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक। ये हो गई इसकी कहानी। अब चलते पिछली सीट पे, पिछली सीट पे चल के चेकआउट करते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे लाइट का सेटअप चेकआउट करा देता हूँ। एक बार ऑन करा मैंने सारी चीजें, टॉप मॉडल का पूरा लुक चेकआउट कराता हूँ, ठीक है। ये देखिए भाई, ये है इसका आगे का लुक पूरा, कितना गजब लग रहा है ना यार, देख रहे हो, मस्त लग रही है भाई, पूरा एलईडी लाइट का सेटअप है उसका। देखो पीछे से चेकआउट करा देता हूँ आप लोगों को कैसा रहने वाला है। तो भाई ये है इसका पीछे का लुक, इस तरीके से इसका पीछे का लुक आने वाला है, चलती हुई बहुत प्यारी लगेगी। और यहाँ पे ब्लू कलर यानी कि एलईडी का अपना यहाँ पे जो है नंबर प्लेट के लिए इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगी। ये हो गई कहानी। अब बात करते हैं पीछे की स्पेस की, तो सबसे पहले मैं करता हूँ गाड़ी को बंद, लाइट्स को कर देता है बंद। ये है भाई कुछ इसकी पीछे की कहानी। दूसरी तरफ से चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके की कहानी, ठीक है। सबसे पहले तो सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलेगी डोर नॉब्स, सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है अपनी डोर नॉब्स से। उसके बाद यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक की फिनिश आपको देखने को मिलेगी, सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलेगा, बॉटल होल्डर मैगजीन होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, परफोरेटेड लेदराइट सीट व्हाइट कलर के टोन के साथ बहुत ही प्यारी लग रही है, लग्जरी फील देती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कफ प्लेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब चलते गाड़ी के अंदर, तो ये है भाई कुछ इसका इंटीरियर। यहाँ पे आपको बीच में इस तरीके से एक एसी वेंट देखने को मिलेगा, सी टाइप की चार्जिंग का सॉकेट है, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एक और देखने को मिलेगा आपको। आगे की तरफ आपको कहीं भी एक भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को नहीं मिलने वाला है। यह है कुछ इसका व्यू, ठीक। यहाँ पे एक एलईडी लाइट आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको एक और एलईडी लाइट देखने को मिलेगी। ये है अपना ग्राब हैंडल विद हुक आपको देखने को मिलेगा। आगे की तरफ मैगजीन होल्डर, यहाँ पे भी एक आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाएगा। करता हूँ मैं इसको बंद, कुछ इस तरीके का स्पेस आपको देखने को मिल जा रहा है। अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर करती है XUV 3XO। यह है इसकी कहानी। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक सेंटर में आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स आपको देखने को मिलेगा, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको हर सीट पे सीट बेल्ट रिमाइंडर भी देखने को मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है। तो भाई ये थी कुछ इसकी ओवरऑल कहानी। एक बार मैं छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक छोटी सी समरी टाइप की दे देता हूँ। तो हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है वो थी अपनी XUV 700 AX7L, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, डुअल टोन के अंदर है। इसके अंदर आपको, इसके ऊपर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है पेट्रोल में, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता, ऑटोमेटिक है, AX7L है और लग्जरी है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको मिलता है 2600mm का व्हील बेस। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 10.25 इंचेस की 2 स्क्रीन, और उसके अंदर आपको एलेक्सा भी देखने को मिलेगा, एड्रेनॉक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल 2 का एडास का सिस्टम देखने को मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको भतीजी चीज़ें देखने को मिल जाती है। 17 इंच के यहाँ पे आपको जो है अपने डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। 360° कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे भतीजी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो ये एक शोरूम कॉस्ट करती है आपकी 15,48,000 रुपये, 15,48,000 रुपीज़ जो है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है टॉप मॉडल की डुअल टोन के अंदर। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूं तो अभी मैं आऊँ आपका कल्याण महिंद्रा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी प्रोवाइड करी और आप तक जो मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचा पा रहा हूं। तो ये यहां पे ऑन रोड कॉस्ट करती है आपकी आगरा में यूपी में 18,30,000 रुपये की, 18,30,000 रुपीज़ जो है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है यहाँ आगरा में यूपी में। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो में वो हमें इसमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार बाइक या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।